मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बीच पर अपने डैड के साथ स्विमिंग कर रही थी। इस लड़की का नाम होता है रुखसाना। रुखसाना यहाँ पर काफी ज्यादा स्विमिंग करती है और वो ऐसे करते करते काफी बड़ी हो जाती है। अब एक दिन हम रुखसाना को अपने क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर उसे बता रहे होते हैं कि पानी में दबाव ज्यादा होने की वजह से कभी कभी इंसानों की मौत हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद रुखसाना अपने घर पर जाती है। वहाँ पर उसकी मॉम होती है, जिसके साथ उसकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। दरअसल रुखसाना के डैड की मौत के बाद रुखसाना ने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होती। इसलिए उसकी मॉम उसे हमेशा डॉक्टर के पास भेजती रहती है, ताकि वो कभी भी कोई मेंटल वाला काम ना कर सके। मगर रुखसाना अपनी मॉम से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी भी साइकेट्रिक डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो अपनी मॉम से झूठ बोलकर एक दिन पेरिस के लिए निकल जाती है। वहाँ जाकर वो स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक टॉम नाम के आदमी से होती है, जो कि एक स्विमर था। अब एक दिन वो स्विमर रुखसाना को अपनी बोट पर ले जाता है, जहाँ पर पहले से ही और भी स्टूडेंट मौजूद थे। यहाँ पर वो स्विमर सभी लोगों को स्विमिंग करने के तरीके बताता है, साथ ही वो स्विमिंग करने की और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ इन लोगों के साथ शेयर करता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक डाइविंग चैंपियन आता है और वो इन सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुमने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया तो तुम डाइविंग बहुत ही जल्दी सीख सकते हो। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट पानी में उतर जाते हैं और एक एक करके डाइविंग सीखने लगते हैं। अगले दिन हम उस स्विमर और रुखसाना को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। रात को ये सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी रुखसाना आती है, जिसे रिकर देखता ही रह जाता है। यहाँ पर रुखसाना भी रिकर को चुपके चुपके देख रही थी। इसके बाद रुखसाना वॉशरूम चली जाती है, जिसके पीछे पीछे रिकर भी जाता है और वहाँ पर ये दोनों एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं। जब ये दोनों अपना काम खत्म करके बाहर आते हैं, तब सभी लोगों को पता चल चुका था कि ये दोनों अंदर क्या कांड करके आ रहे हैं। यहाँ पर टॉम रुखसाना को थोड़ा बहुत लाइक करता था, इसलिए उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। उधर रिकर की गर्लफ्रेंड भी इस बात से काफी नाराज होती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रिकर रुखसाना को अपनी बोट पर लेकर आता है। ये बात रिकर के एक साथी को ठीक नहीं लगती। वो उससे कहता है कि तुम इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, इसे तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। साथ ही वो रुखसाना को ये भी बताता है कि रिकर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, जिसमें बहुत रिस्क है। इसके बाद रुखसाना का एक्साइटमेंट लेवल और डर काफी बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिकर उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को 2 मिनट में ही तोड़ देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रुखसाना अपनी मॉम से बातें कर रही थी। यहाँ पर उसकी मॉम उससे वापस आने के लिए कहती है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहती है, मगर रुखसाना अपनी मॉम की बात नहीं सुनती। अब एक दिन रिकर के एक साथी को पता चलता है कि रिकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ दिया है। इसके बाद रिकर फिर से उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कंपटीशन में भाग लेता है, मगर इस दौरान वो उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाता, उल्टा उसकी जान पर बनाती है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर उसने डाइविंग को कंटिन्यू रखा तो उसकी जान भी जा सकती है, मगर रिकर डॉक्टर की बातों को लाइटली लेता है और रुखसाना को ट्रेनिंग देना कंटिन्यू रखता है। अब एक दिन रुखसाना एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती है, जहाँ वो फर्स्ट आती है। यहाँ पर सभी लोग उसे काफी बधाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर रुखसाना की मॉम भी आई हुई थी। वो भी अपनी बेटी की इस काम के लिए उसे अप्रिशिएट करती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें वापस चलकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, मगर रुखसाना अपनी मॉम की बात नहीं सुनती और उन्हें गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद रुखसाना फिर से एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती है। यहाँ पर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सभी को चौंका देती है और अपनी एक अलग पहचान बना लेती है। यहाँ पर रुखसाना का इंटरव्यू भी लिया जाता है। एक दिन रुखसाना जब रिकर से मिलने जाती है, तब वो देखती है कि रिकर एक दूसरी लड़की के साथ मजे कर रहा था। ये देखकर रुखसाना को काफी बुरा लगता है। इसके बाद वो टॉम के पास जाती है और उससे रिलेशनशिप में आने के लिए कहती है। दरअसल टॉम भी तो यही चाहता था। इसके बाद ये दोनों वहीं पर गिल्ली डंडे का गेम खेलने लगते हैं। अगले दिन रुखसाना अपना सारा सामान पैक करके घर वापस जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी रिकर भी वहाँ पर आ जाता है और वो रुखसाना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर रुखसाना रिकर की एक भी बात नहीं सुनती। अब इससे नाराज होकर रिकर एक शीशे में हाथ मारता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। अब रुखसाना इमोशनल होकर उसके साथ रुक जाती है। अब कुछ दिनों बाद जब रिकर रुखसाना को ट्रेनिंग दे रहा होता है, तभी उसके फोन पर टॉम का मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर रिकर उसे डिलीट कर देता है। अगले दिन सभी लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं, तभी रिकर अपनी एक न्यू गर्लफ्रेंड को आंख मारता है।
इस हरकत को रुखसाना देख लेती है और वो समझ जाती है कि रिकर कभी सुधरने वाला नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि रुखसाना के एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के कॉम्पिटिशन की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर उसे 180 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना था और सिलेंडर भरने की जिम्मेदारी टॉम को दी गई थी, जो कि वो काफी अच्छी तरीके से करता है। तभी वहाँ पर रिकर आता है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर को चेक करने लगता है कि टॉम ने अपना काम ठीक से किया है या नहीं। इसके बाद रुखसाना को तैयार करके नीचे भेज दिया जाता है। वो काफी देर तक नीचे रहती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन है ही नहीं। अब थोड़ी देर बाद उसके साथी मेंबर उसे ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जिसकी वजह से रुखसाना की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस टॉम को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है, क्योंकि टॉम ने ही उस सिलेंडर को भरा था। अब टॉम से पूछताछ करने के बाद पुलिस रेकर से पूछताछ करती है और इन दोनों की सफाई लेने के बाद वो इन्हें छोड़ देती है। लेकिन इस मूवी के अंत में हमें ये पता नहीं चलता कि आखिर रुखसाना को किसने मारा, और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।